हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है सोनू साक और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप टिकटॉक पे प्रोफेशनल और अच्छे वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप भी टिकटॉक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए। आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगा कि टिकटॉक पे प्रोफेशनल और अच्छी वीडियो कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा मंजूल फेसू, तो यहाँ पे कई लोग जो है टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं और उनकी वीडियो पे काफ़ी अच्छे लाइक फॉलो और व्यू और कमेंट आ जाते हैं। तो काफ़ी पॉपुलर बंदे हैं तो काफ़ी अच्छा वीडियो बनाते हैं। तो आप उन्हीं तरीके से आप भी अपना खुद का एक वीडियो बना सकते हो और वहाँ से आप अपने टिकटॉक पे लाइक फॉलो व्यू और कमेंट ले सकते हो। तो चलिए आपको भी मैं बता देता हूँ कि आप भी इस तरीके से वीडियो फेसबुक मंजुल की तरह कैसे बना सकते हो। तो अगर आपको भी जानना तो जानने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप अपना टिकटॉक पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक आईडी क्रिएट करनी होगी। तो आईडी आपको क्रिएट कर लेनी होगी। अगर आपको नहीं पता आईडी कैसे बनाते हैं टिकटॉक पे, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपको जो देख सकते हैं, आप अपना खुद का कुछ बोलना चाहते हैं टिकटॉक पे, कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है आपका फ्रंट कैमरा जो है चालू हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो है साइड पीछे जो ऊपर साइड का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपका जो है बैक कैमरा है वो यहाँ से आप चालू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से बैक कैमरा चालू हो चुका है और मैं फ्रंट कैमरा को चालू करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे इसका इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x स्लो मोशनल, यहाँ से आप कर सकते हैं जो 3x वगैरह 2x करके सेट करके आप जो है वीडियो को फास्ट और इमोशनल और स्लो मोशनल कर सकते हो यहाँ से। तो मैं 1x रखता हूँ, यहाँ पे जो है नॉर्मल वीडियो यहाँ पे रखता हूँ। और यहाँ पे आप कुछ भी वीडियो शूट कर सकते हैं। शूट करने के लिए इसके ऊपर जो रेड पॉइंट आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करके रखना होगा और यहाँ पे आपकी वीडियो शूट होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो मेरी शूट हो रही है। जब आपकी वीडियो शूट हो जाएगी तो यहाँ पे आप 1 मिनट तक की वीडियो शूट कर सकते हो। और इसके बाद ऐसे रेड पे डन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आपकी जो है वीडियो रिकॉर्ड जो है सेव हो जाएगी। और यहाँ पे इफेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे जो इफेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे आप इफेक्ट यूज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे इफेक्ट आ रहे हैं, तो ये इफेक्ट हैं और ये इफेक्ट है, दाढ़ी वाला इफेक्ट है, तो बहुत सारे इफेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। जो ट्रेंडिंग चलते हैं इफेक्ट, वो इफेक्ट यहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक, ये जो इफ़ेक्ट है फैशन, तो ये देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं बैक होता हूँ, इससे मैं कुछ नहीं करूँगा यहाँ पे। और इसके बाद आपको उसी में मैं आ जाता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आपको कोई सॉन्ग पसंद आता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ मुझे कोई सॉन्ग पसंद आता है। तो मान लीजिए मुझे ये वाला सॉन्ग पसंद आता है, तो मैं इस सॉन्ग पे वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको जो नीचे लोगो आ रहा है यहाँ पे शेयर के ऑप्शन के नीचे, इस लोगो पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और ये लोडिंग हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे इसका इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मतलब थोड़ा इमोशनल टाइप सॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, मैं इमोशनल का कोई जो है एक यहाँ पे इफेक्ट ले लेता हूँ। तो ये वाला सही है, तो यहाँ से आप चश्मा भी जो है लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं लगाऊंगा। तो फिलहाल ये देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे लगने लगे यहाँ पे। और इसे जो कलर है यहाँ पे कलर आप लगा सकते हो, जो कि बैकग्राउंड में कलर आपका पूरा मतलब स्क्रीन पे कलर आएगा। तो यहाँ पे रोने वाला इफेक्ट मैं लगाता हूँ, तो हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो रोने वाला इफेक्ट आ चुका है। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक वीडियो शूट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो हमारी जो है शूट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप भी अपना जो है एक वीडियो बना सकते हो। और यहाँ पे एडिटिंग इफेक्ट, यहाँ पे एडिटिंग जो इफेक्ट हैं वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट आ रहे हैं। और
यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रेस करके रखना है और रेन बारिश वाला ये देख सकते हैं, हार्ट और बबल स्मोक और फ्लावर्स और कलरफुल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो है फायरवर्क्स, तो इस तरीके से यहाँ पे इतना काम करने के बाद यहाँ पे आप जो स्टिकर हैं स्टिकर भी लगा सकते हो, जैसे आपको स्टिकर है तो यहाँ पे देख सकते हैं, बैकग्राउंड जो है मतलब ब्लर बैकग्राउंड हो चुका है यहाँ से, और यहाँ पे जो है एडिटिंग इसी में कर सकते हो, बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ, तो इसके बाद यहाँ पे जो है करेक्टर यहाँ पे आप जो है कोई भी मतलब वर्ड लिख सकते हो, इमोशनल, प्लीज़ लाइक, मतलब कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, प्लीज़ लाइक, यहाँ से जो है और डन पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे इसे कहीं भी आप सेट कर सकते हो इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे जो है स्वाइप करोगे यहाँ पे इस तरीके से साइड में, तो यहाँ पे फिल्टर इसके जो है चेंज हो जाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, और वॉल्यूम यहाँ से आप वॉल्यूम जो है कम ज़्यादा बढ़ा सकते हो, साउंड को वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, और यहाँ पे टर्म यहाँ पे जो है आप साउंड को इधर उधर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पे बहुत कोई यहाँ पे जो है वीडियो जल्दी से बनाई है, और यहाँ पे आपको पोस्ट कर देना होगा, यहाँ पे टैग वगैरह डाल के पोस्ट कर देना होगा, मैं एक मैं टैग नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे, और ये आपकी वीडियो पोस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने टिकटॉक पे बहुत अच्छे प्रोफेशनल और अमेजिंग वीडियो बना सकते हो, और जहाँ से आपके वीडियो पे बहुत सारे लाइक आएंगे, फॉलो आएंगे, व्यू आएंगे और कमेंट आएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, और हो सके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लीजिए, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।